नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं आज के नए टॉपिक की। आज का नया टॉपिक है एलाइलिक एल्कोहल। क्या नाम है? एलाइलिक एल्कोहल। ये एक नंबर का टॉपिक है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, इसके पहले अपन बात कर चुके हैं एलाइलिक हैलाइड की। ठीक है, तो आज बात करते हैं एलाइलिक एल्कोहल की। ये कह रहा है दीज एल्कोहल, यानी इस तरह के एल्कोहल में द OH ग्रुप इज अटैच टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यानी इस तरह के एल्कोहल में OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा, यानी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन एटम। ये क्या कह रहा है, इन दीज एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू, OH ग्रुप कहाँ अटैच होगा, टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। किससे अटैच होगा, टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है भाई, यानी एलाइलिक एल्कोहल में बात करें तो OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इस तरह के एल्कोहल को कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, तो मेरे पास है, ऐसे बना सकते हैं CH2OH, इस तरह से लगा हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा और ओपन करके लिख सकते हैं, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसको पूरी तरह इलाबोरेट करें तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये OH। तो देखिए बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो नंबर ऑफ सिग्मा 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो ऐसे एल्कोहल को कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल, बोलो सही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसे कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है भाई, आइए आगे बात करते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है भाई, अगला देखिए, तो इसके और एग्जांपल देखें, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और OH, एक तो ये है। दूसरा देखते हैं, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये CH3, ठीक है, और ये OH, यानी अल्काइल चेन लगा सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा लगा सकते हैं, CH3 ही नहीं, अल्काइल चेन लगा सकते हैं कोई भी, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है भाई, ये OH। तो देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा। क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा, बोलो सही, एलाइलिक एल्कोहल। देखिए भाई, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3। ठीक है, और इस तो इसको क्या कहेंगे आप, एलाइलिक, ये भी कैसा है, एलाइलिक एल्कोहल है, बोलो सही है, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अगला बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी हो गई, sp3, यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ये भी कौन सा है, एलाइलिक एल्कोहल, बोलो सही है, सभी के सभी एलाइलिक एल्कोहल है। ठीक है भाई, तो देखिए, इसमें एक एल्काइल चेन है तो 1 डिग्री, इसमें देखिए बेटा ये एक ये है और एक ये है, दो एलाइलिक चेन है तो 2 डिग्री, मतलब एल्काइल चेन है, इसमें देखिए एक और ये दो और ये 3, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री, ये यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलाइलिक
एल्कोहल। ठीक है बेटा जी, आगे बात करते हैं, इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है आपका एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, जिस किसी को समझ ना आए वो कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं आया, दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और आप बोर्ड की तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए अगला है, ऐसे देखते हैं ये। ठीक है, ये और इस पे लगा है OH, तो मैंने क्या कहा, ये वाला कार्बन देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 और एक होगा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। ये कह रहा है OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी होगा एलाइलिक एल्कोहल। क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल, बोले सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, कार्बन कितना होता है, क्या होता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, यानी कितने बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 4। तो देखिए आप लोगों को यहाँ क्या है, ये कार्बन है, कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड है। ठीक है, इस पर कौन लगा होगा, एक और ग्रुप कोई लगा सकते हैं। तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी क्या आ गई, SkB sp3। अपन क्या कहेंगे, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके जस्ट आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी होगा एलाइलिक एल्कोहल। बोलो सही है, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये था आपका एलाइलिक एल्कोहल। इसके आगे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।